नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। देख रहे हैं ज्योतिष जनाहट के, आपके साथ मैं हूं आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोष संतोषी। और आज जानकारी नींबू के रस का कुछ विशेष प्रयोग हम बताने जा रहे हैं। गर्मियों का सीजन है और नींबू हर जगह है, लेमन जिसे कहते हैं इंग्लिश में, हर जगह उपलब्ध है, हर जगह उपलब्ध है। ज्योतिषीय दृष्टि से देखा जाए तो खट्टा होने के कारण और लिक्विड होने के कारण बुध और चंद्रमा का इसके साथ गहरा नाता हो जाता है और दोनों प्लैनेट्स एक्टिवनेस के लिए जाने जाते हैं, निरंतरता के लिए जाने जाते हैं, मजबूती के लिए जाने जाते हैं, ह्यूमर के लिए जाने जाते हैं, हंसाने के लिए जाने जाते हैं। चंचलता और बरबस किसी का ध्यान खींचना हो, अट्रैक्ट करना हो तो बुध और चंद्रमा से सीख लिया जाए। कनेक्शन देखेंगे, इस कार्यक्रम का नाम है वेयर लॉजिक स्पीक्स, जहां तर्क बोलता है। तो मैं किसी भी प्रयोग को बताने से पहले समझाऊंगा कि कैसे हुआ है। ये समझेंगे तो आपको 100% उपाय का रिजल्ट मिलेगा। तो आइए इस प्रयोग को हम बताएंगे, लेकिन समझें कि अगर आपकी कुंडली में बुध और चंद्रमा पीड़ित अवस्था में है तो होगा क्या, ये जानना बेहद अनिवार्य है कि अगर आपकी कुंडली में बुध और चंद्रमा पीड़ित हुआ तो होगा क्या। बुध पे ही आइए चर्चा कर लेते हैं। अगर किसी की कुंडली में बुध पीड़ित होता है तो समय से पहले वो मैच्योर हो जाता है। है 10 साल का दिखेगा 15 का, है 15 का दिखेगा 25 का, है 25 का दिखेगा 40 का, है 40 का दिखेगा 60 का। ऐसे ये घटना तभी घटेगी जब आपकी कुंडली में बुध नामक ग्रह पीड़ित होगा। अब देखिए एक कार्यक्रम में हमने कितना एंगल दे दिया, बुध की पीड़ा भी पता चल रही, ये तो पहला सिम्टम हुआ। हरदम चेहरा 12 बजा रहेगा, मतलब हरदम भगुआए एकदम से कि गभुआ के चढ़ लेंगे, हरदम ऐसे पूरा त्योरी चढ़ा के जबरदस्ती का फालतू। बुध पीड़ित होगा, आप लाख हंसाओ ना हंसबे नहीं करेंगे, बुध पीड़ित होगा। मुंह से गंदी वाली स्मेल आती हो, बुध पीड़ित। पायरिया वगैरह बीमारी हो, बुध पीड़ित। अचानक से कोई बड़ी समस्या आ जाए, बुध पीड़ित है। सोच भी ना पाए, बुध पीड़ित है, सोच खत्म कर देगा। अब चंद्रमा पीड़ा का तो हमने बताया हुआ ही है कि माँ का सुख कम हो जाता है, अपयश मिलता है, मकान बिक जाता है, भाई बहनों के द्वारा कोर्ट कचहरी में खींचते हैं, तो ये चंद्रमा की पीड़ा होती है जनरली। अब इन दोनों को हम जोड़ करके आपको एक ऐसा प्रयोग बताते हैं नींबू के रस का कि आप तो बस पूछो मत, आप तो बस पूछो मत। एक छोटी सी कटोरी ले लीजिएगा, स्टील की, कांच की, कोई भी, तांबा नहीं, स्टील और कांच दोनों में से कोई भी, एक पूरे नींबू का रस उसमें निचोड़ लीजिए, जूस नींबू का, लेमन का पूरा जूस निकालिए, पल्प हटा दीजिएगा और जो बीज होगा उसको निकाल के सिर्फ जूस जूस रहे, सामने अपने रख लीजिए, नहाने के बाद करना है, आसन ओसन बिछा लीजिए, सामने रख लीजिए कटोरी में जूस निकाल के,
और दाहिने हाथ की छोटी अंगुली ये जूस में डालिए और क्लॉकवाइज चलाइए, बुध की अंगुली चंद्रमा की अंगुली चलाते हुए शिव का ध्यान करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भगवान भोलेनाथ का ध्यान करें और रस में अंगुली चलाते रहिए दाहिने हाथ की छोटी, 4-5 मिनट इसे करिएगा और फिर इसे इस रस को ले जाकर शिवलिंग पे चढ़ाना है। घर के शिवलिंग पे भी चढ़ाएं तो फिर रस को तुलसी के नीचे ऊँचे डाल दीजिएगा। बस करिए, हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं, हमारा बहुत सारा प्यार। इसे करने का लाभ आपको ये मिलेगा कि आप तत्क्षण आगे बढ़ जाएंगे, मजबूती पा जाएंगे, बुध चंद्रमा मजबूत हो जाएगा, जो जो दोष था वो दोष खत्म हो जाएगा, है ना मज़ेदार। तो आज और कल 2 दिन मिलिए आप हमसे इंदौर में, 12-13-14 मिल सकते हैं पटना और 15-16-17 रांची, ये डेट्स नोट कर लीजिए। आप आपका कोई दोस्त यार, कोई भी दूरदराज का कोई दोस्त यार हो उन शहरों में हो मिलवा दीजिए। कल्चर वैली हमारा विद्यालय शुरू करने के लिए भी आप मुलाकात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच प्यार बनाए रखने के लिए। खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, गुनगुनाते रहें। नमस्कार, श्री राधे।